तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ है निखिल। निखिल एक 14 साल का डेवलपर है जिसकी 53 लाख की जॉब लगी है। तो आज की इस वीडियो में हम निखिल के साथ बातें करने वाले हैं, सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे आप भी एक ऐसा पैकेज अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय निखिल, हाउ आर यू ब्रो? आई एम डूइंग गुड, व्हाट अबाउट यू? या आई एम डूइंग गुड। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपका भी इतना बड़ा पैकेज लग चुका है। एंड ये एक इस छोटी एज में ये चीज़ अचीव करना एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी इतना ज़्यादा पैकेज नहीं दे पाते हैं, तो इस एज में ये चीज़ अचीव करना इज़ लाइक अ ह्यूमंगस थिंग फॉर अस। आज की इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि निखिल ने ये चीज़ कैसे अचीव करी। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि आपने फाइंड आउट कैसे किया कि कोडिंग नाम की कुछ चीज़ भी होती है, हम लोग एप्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने डिस्कवर कैसे किया? Yeah, so as I told you, my coding journey started from robotics. So I had interest in robotics from starting itself. So I used to play with Arduino Kit and Avishkar Kit and like these kind of things. And later I found like if you want to learn programming, I need the best programming language. So I started with Kotlin YouTube channel, and this is how my coding journey started. What was the first programming language that you learned? Python. Python. उसके अलावा भी कुछ सीखा था? Python के अलावा? पाइथन सीखा था, उसके बाद यही एमएल ट्राई करा था, बट कैलकुलस और डेरिवेटिव समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने खुद से डेवलपमेंट में चेंज कर लिया अपना पाथ और नाउ आई वर्क मतलब खुद से डेवलपमेंट। ये पैसे कमाने की फीलिंग कहाँ से आई कि मुझे इस छोटी एज में पैसे कमाने हैं कोडिंग के थ्रू, ये सारी चीज़ें की फीलिंग्स कहाँ से आई कि मुझे भी छोटी एज में अर्न करना है? पैसे कमाने की कभी फीलिंग नहीं होती, इट वाज ओनली माय पैशन, मतलब पैशन के लिए मैंने करा था। सो आई स्टार्टेड गोइंग, तो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, तब मुझे फील नहीं था कि रियल टाइम टीम्स के साथ काम करने में कैसा फील आता है, अपने स्टार्टअप चलाना था, वो सब चीजों के लिए। तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ टीम, सो अब आई न्यू कि अब जॉब करनी पड़ेगी टू गेट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस टू क्रिएट माय ओन स्टार्टअप। कौन सी एज में स्टार्ट किया था कोडिंग? बेसिकली आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर फ्रॉम एज 10। एज 10, दैट्स रियली नाइस। एज 10 में लोग कार्टून देख रहे होते हैं, छोटा भीम, और इस एज में ये कोडिंग कर रहे थे, सो दैट इज रियली नाइस। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, आपके पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, जो भी कलीग्स हैं उनका क्या रिएक्शन था जब आप उनको ये पता चला कि आप इस छोटी एज में कोडिंग कर सकते हो? बेसिकली पेरेंट्स वर रियली सपोर्टिव एट फर्स्ट, एंड इफ आई टॉक अबाउट फ्रेंड्स, लाइक दे आर आल्सो मोटिवेटेड, बट या दे आर बाउंडेड बाय देयर इंस्टीट्यूट, सो दे आर नॉट इंस्पायर्ड दैट मच बिकॉज़ दे नीड टू आईआईटी डिग्री एंड अदर थिंग्स ओनली। एंड इफ आई से अबाउट कलीग्स, दे रियली अप्रिशिएट, दैट्स हाउ दे आर। ये सारी चीज़ों में अपने जो कंपनी में इंटरव्यू दिया था, तो कंपनी के फाउंडर्स का क्या रिएक्शन था कि जब उन्होंने देखा कि यार ये तो 14 साल का बच्चा आ गया मेरे सामने बैठ गया, ये सब इन चीज़ों में उनका क्या रिएक्शन था? या दे वर रियली सरप्राइज्ड एंड दे सेड लाइक आई विल बी डूइंग समथिंग रियली बिग इन लाइफ, सो मतलब ये सब चीजों से वो सरप्राइज हो के बहुत खुश थे, एंड दे सेड दे आर गोइंग टू फुली सपोर्ट मी एंड व्हाटएवर आई वांट टू डू दे कैन आई कैन डिस्कस विद देम एंड दे विल डेफिनेटली सपोर्ट। दैट्स रियली नाइस, क्योंकि कंपनी के फाउंडर्स को भी ऐसा लगता है ना कि यार ये तो हमारे सामने एक बड़ी हस्ती आगे बैठ गई है, ये सारी चीज़ें उनको भी फील होती है। सो कौन से रिसोर्सेज थे, वो कौन कौन सी वेबसाइट्स फॉलो की, कौन कौन से यूट्यूब चैनल, कौन कौन से कोर्सेज थे वो जो आपने फॉलो किए थे इस पॉइंट पे आने के लिए, कौन कौन से वो प्रोजेक्ट्स आपने बिल्ड किए, उन सब चीज़ों के बारे में आप हमको बताओ? हाँ, मोस्टली मैंने यूट्यूब से सीखा है, एंड मेरे दो फेवरेट यूट्यूब चैनल थे। एंड इफ आई टॉक अबाउट अदर रिसोर्सेज, यूडीमी का कोर्स जरा फॉलो करता था ना, यूडीमी का सबसे पॉपुलर इंजीनियरिंग का कोर्स, और कोर्सेरा का भी और कोर्सेज थे, ये सब फॉलो करा। और प्रोजेक्ट्स मैंने आज तक 20 बनाए हुए हैं, जिनमें से 15 मंथ स्टैक का है एंड 5 अदर लैंग्वेजेस का, और कुछ ब्लॉकचेन और एनएफटीज का भी है। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट था KPExam.com, इसके अंदर हम एक ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था जिसके अंदर हम लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड अदर थिंग्स, सारी चीज़ें चला सकते हैं, जैसे एडमिन सारी ब्रांचेस मैनेज कर सकता है, रिपोर्ट जनरेट हो सकती है, बेसिकली कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, बिकॉज लॉकडाउन वगैरह की वजह से स्कूल अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए सोल्यूशन बनाया गया। स्कूल जाते हो अभी? स्कूल नहीं, डमी कर रखा है, आकाश इंस्टीट्यूट है की प्रिपरेशन। ओके। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, कि अभी तो जैसे आपने मेरे को बताया था कि आप स्टार्टअप पे भी काम कर रहे हो, आपकी खुद की भी एक कंपनी है, उसके बाद आप एक कंपनी में जॉब भी कर रहे हो, और आप अभी यूट्यूब के बारे में भी सोच रहे हो, तो इन सभी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हो, अपने टाइम को मैनेज करने की कुछ ट्रिक्स बताओ हम सबको। डेफिनेटली फर्स्ट थिंग इज कि वीकेंड्स पे काम करता हूँ,
सेकंड थिंग इज कि थोड़ा वर्किंग आवर्स ज्यादा रहते हैं कॉलेज में, नॉर्मल 8 रहते हैं एंड आई वर्क 12-13 आवर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस आई शेड्यूल माय डे प्रायर, एक दिन पहले शेड्यूल कर लेता हूँ और जो भी मैं करता हूँ लाइक प्रोडक्टिविटी का बिलीव ज्यादा करता हूँ, लाइक वॉट एवर आई एम डूइंग आई एम ट्राइंग टू डू इट इन हाफ आवर, इफ इट रिक्वायर्स 1 आवर, तो उस वजह से थोड़ा जल्दी काम होता है. आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? लाइक इन माय केस इट वाज लाइक इलॉन मस्क, बिल गेट्स, ये सारे लोग मेरी इंस्पिरेशन थे. आपकी इंस्पिरेशन कौन थे स्टार्टिंग में? माय इंस्पिरेशन वाज मार्क जुकरबर्ग. मार्क जुकरबर्ग हु बिल्ट फेसबुक एंड नाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड द नेक्स्ट फेसबुक, राइट? या सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. लाइक दिस किड इज डूइंग दिस बिग थिंग एट द एज ऑफ 14, तो सोचो कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये कितना कुछ अचीव कर सकता है. तो ये सब चीजें हम लोगों ने बात कर ली है. अब ये बताओ कि आप कॉलेज में क्यों जाना चाहते हो? आपने बताया था कि आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो आकाश इंस्टीट्यूट से, तो आप क्यों जाना चाहते हो IIT के अंदर? So in IITs and other colleges, there are a lot of people who have different areas of expertise. So I can learn much more from them and explore other parts like innovation, entrepreneurship and UI UX and other things like that. So me purpose is that. सो बेसिकली जो आप अभी जॉब कर रहे हो, ये सारी चीजें आप लोग आप कर पा रहे हो, अभी आप अपनी कंपनी शुरू कर पा रहे हो, वो सब चीजें आप कॉलेज के अंदर कर पाओगे? I think so, I will be able to do, but तब तक मेरा already ये सब हो चुका होगा. I am planning to wrap it up till my first year of college and till second year of my college I am planning to build something really different. So तब तक मैं सब wrap up कर चुका होगा, तो I think I don't need that much time to do that thing. So my next question is, where do you see yourself in the next 5 years? I see myself building a great product that is being used by millions of people and solving everyone's problem, because my motive is not to make money. My motive is to solve the user's biggest problem. That's an economy. So I will be working on it. And I will be going to college for that also. सो आपको ये सारी चीज़ें सुन के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है ये सारी चीज़ें, एंड आई थिंक कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए. जो निखिल हमें बता रहा है, ये सारी चीज़ें आपको भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर. जो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए, वो रहेगा कि आप अपना जो भी आपने जो भी सक्सेस को अचीव किया है उस सबका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? मोस्टली पेरेंट्स एंड सेकंड यूट्यूब चैनल्स व्हिच टॉट मी. सो ये YouTube चैनल्स और कुछ रिसोर्सेज के बारे में बता दो लास्ट के अंदर, कि सारे रिसोर्सेज जो उनको फॉलो करनी चाहिए, जो भी इन वीडियोस जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए अगर उनको आपके स्टेज पे पहुंचना है तो. डेफिनेटली मैं रिसोर्सेज तो सजेस्ट करूंगा, बट डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहूंगा कि ट्यूटोरियल्स में फंस गए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे. लाइक आप ट्यूटोरियल्स देखते रहोगे, इट्स जस्ट दैट कि एक ट्यूटोरियल देखा, एक पूरी सीरीज कंप्लीट कर दी, एक प्रोजेक्ट बना लिया, ये नहीं है कि कंप्लीट सीखते जा रहे हैं नो प्रोजेक्ट्स आ गए. द की टू सक्सेस इन प्रोग्रामिंग इज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. सो बेसिकली आई वुड सजेस्ट यू शुड गो विद एंजेलाई कोर्स, दैट्स रियली वेल. वंस यू कंप्लीट यू विल बी हैविंग टू मच प्रोजेक्ट्स एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉच ब्रेड ट्रेवर्सी कोर्स ऑन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट. आफ्टर दैट यू मस्ट कंबाइन ऑल द नॉलेज यू गेन फ्रॉम दिस टू कोर्स. लेटर यू कैन क्रिएट योर ओन MVP और अ प्रोडक्ट दैट यू वांट टू क्रिएट. सो अभी आप लोगों को सब रिसोर्सेज के बारे में पता चल चुका है कि जो इसने यूज किए थे, एंड आप लोग भी इसको यूज कर सकते हो. सो माई लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, वट इज द लास्ट मैसेज दैट यू वॉन्ट टू गिव टू द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट? या माई लास्ट मैसेज वुड बी, प्लीज डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट आई एम अर्निंग. जस्ट सी लाइक व्हाट इज द पैशन ऑफ यू. लाइक इफ यू लव प्रोग्रामिंग यू कैन प्रोग्राम, इफ यू लव मैथमेटिक्स यू शुड डू दैट, इफ यू लव बिल्डिंग प्रोडक्ट्स यू शुड डू दैट, इफ यू लव डांस यू कैन डांस. मतलब यू डोंट नीड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन कि ये ऐसे कर रहा है तो लाइक लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्फ टू देम एंड सी हाउ दे आर डूइंग. सो जो पसंद है वो करो, अदरवाइज यू विल बी फेलिंग. आई एम 100% श्योर दिस इज द की टू सक्सेस. जो पसंद है वही करो. स्टीव जॉब्स का सेम द सेम, मतलब यही बोलते थे स्टीव जॉब्स भी. और एक और कोट है इलॉन मस्क का, लाइक द मैन हु लव्स टेस्ट वॉकिंग विल गो फर्दर देन द मैन हु लव्स द डेस्टिनेशन. तो यही रूल को फॉलो करो एंड डेफिनेटली यू विल बी अचीविंग समथिंग दैट आई थिंक. तो अगर आप लोग भी निखिल के जैसे ये सारी चीजें अचीव करना चाहते हो तो इस वाले पॉडकास्ट को रिपीट में भी देखो. आप लोग समझो इस पॉडकास्ट से कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा है. आप लोग इन सारी लर्निंग्स को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करो, एंड आई थिंक आप लोग भी निखिल के स्टेज पे पहुंच पाओगे, एंड आप लोग भी एक ऐसे मुकाम को अचीव कर पाओगे. सो बहुत अच्छा लगा निखिल आपसे बात करके, एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट निखिल. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.